इससे पहले हमने 1960s के पहले की टॉप 10 मूवीज़ के बारे में बताया था। कठिन परिस्थितियों में टेक्निकली इतने प्रगत ना होने के बावजूद टेक्निक वाइज, स्टोरी वाइज, एडिटिंग वाइज कुछ मास्टरपीस मूवीज़ हमें देखने मिली। और इसी सफ़र को जारी रखते हुए हम 1960s के डिकेड की टॉप 10 मूवीज़ के बारे में आज देखने वाले हैं। जो फेस था क्यूब्रिक का और हिचकॉक जैसे डायरेक्टर्स का, तो आइए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में जो नंबर 10 पे है वो है द ग्रेट एस्केप। ये 1963 की हिस्टोरिकल ड्रामा एडवेंचर मूवी है जो कि बेस्ड है वर्ल्ड वॉर टू के समय में, जब अलाइड और नॉन अलाइड फोर्सेस आपस में लड़ रही थी, जहां अलाइड प्रिजनर्स को नाजी जर्मनी ने कैद कर रखा था और वही प्रिजनर्स किस तरह नंबर ऑफ टाइम्स वहां से भागने की कोशिश करते हैं, इसी पर ये फिल्म बेस्ड है। फिल्म का डायरेक्शन जॉन स्टर्ज ने किया था जो कि काफ़ी शानदार है। नंबर 9, द ग्रेजुएट। ये 1967 की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, डायरेक्टेड बाय माइक निकोल्स। एक कहानी है बेंजामिन की, जो इसी साल ग्रेजुएट हुआ होता है, जहां उसके ग्रेजुएट होने के पार्टी के बाद मिसेस रॉबिन्सन उसे सेड्यूस करती है, लेकिन आगे बेंजामिन उसी की बेटी के प्यार में पड़ जाता है। फिल्म के इम्पोर्टेंस की बात करें तो इस मूवी ने हॉलीवुड सिनेमा को एक अलग दिशा दी। साथ ही फिल्म की कहानी और डस्टिन हॉफमैन की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। नंबर 8, वेस्ट साइड स्टोरी। ये 1961 की रोमांटिक म्यूजिकल ट्रेजेडी फिल्म है, डायरेक्टेड बाय रॉबर्ट वाइस और जेरोम रॉबिन्स। बात करें इस मूवी की तो बाकी म्यूजिकल से ये थोड़ी हटके है। मूवी की कहानी से लेकर एक्टिंग तक काफ़ी बढ़िया ये मूवी हमें लगती है। फिल्म का डायरेक्शन कुछ इस तरह है कि बाकी फिल्मों से ये फिल्म कुछ अलग साबित होती है, और शायद इसी कारण एकेडमी अवार्ड ने उसे 10 अवार्ड से नवाजा। नंबर 7, द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये 1965 की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है और मेरी पर्सनल म्यूजिकल फेवरेट भी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रॉबर्ट वाइज ने, जिन्होंने वेस्ट साइड स्टोरी भी डायरेक्ट की थी। एक कहानी है मारिया की और कैप्टन वॉन की, जिनके 7 बच्चे हैं। फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो है इसका म्यूजिक, जो कि आउटस्टैंडिंग है, जिसे मूवी खत्म होने के बावजूद आप गुनगुनाते रहेंगे। नंबर 6, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। हार्पर ली की 1960 की नॉवल से ये मूवी 1962 में रिलीज की गई थी, डायरेक्टेड बाय रॉबर्ट मलिगन। ये एक सोशियो ड्रामा फिल्म है जो समाज में घट रहे अलग अलग मुद्दों को छूती है और बड़ी ही अलग ढंग से हमारे सामने पेश करती है। फिल्म का प्लॉट कुछ इस तरह है कि कई सारे सवाल फिल्म हमें पूछती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है। हार्पर ली की लिखी गई नॉवल को बड़ी बखूबी फिल्म में उतारा गया है। नंबर 5, डॉक्टर स्ट्रेंज लव। ये 1964 की पॉलिटिकल सटायर ब्लैक कॉमेडी फिल्म है, डायरेक्टेड बाय स्टैनली क्यूब्रिक। ये मूवी 1945 के बाद दुनिया किस तरह दो पालों में बट गई थी, किस तरह कोल्ड वॉर का समय कई साल चलता रहा लेकिन हर कोई कहता रहा वी वॉन्ट पीस, इस पूरे मुद्दे पर बड़ी शानदार तरीके से और इंटेलिजेंटली तंज कसा गया है। जितनी शानदार मूवी की कहानी है उतनी ही टेक्निकली भी काफ़ी प्रभावित हमें करती है। सिंपली कहे तो स्टैनली क्यूब्रिक का वन ऑफ द मास्टरपीस वर्क है। नंबर 4, लॉरेंस ऑफ अरेबिया। ये 1962 की इपिक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है, डायरेक्टेड बाय डेविड लीन। एक कहानी है टी ई लॉरेंस, जो कि वर्ल्ड वॉर वन के समय ब्रिटिश सोल्जर थे, जो उस वक्त के अरब रिवॉल्ट से जुड़े और शानदार तरीके से ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़े। पीटर ओटूल जिन्होंने टी ई लॉरेंस को निभाया है, उन्होंने काफ़ी बढ़िया एक्टिंग की है, साथ ही फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी है। टी ई लॉरेंस के जीवन के कई सारे अंग को ये फिल्म छूती है। नंबर 3, साइको। ये 1960 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसे अल्फ्रेड हिचकॉक ने डायरेक्ट किया था,
जो उनके करियर की एक मास्टरपीस है। वो हमें जिस तरह मैनिपुलेट करते हैं, हमारा दिमाग से खेलते हैं, उससे हम दंग रह जाते हैं। साथ ही फिल्म का कैमरा वर्क, म्यूज़िक और स्टोरी हमें पूरी फिल्म एज ऑफ द सीट रखती है। आगे आने वाले कई फिल्मों पर साइको का असर हमें हॉलीवुड सिनेमा में दिखता है। यहाँ तक कि आज भी कई सारे फिल्मों पर साइको का असर हमें दिखता है। नंबर 2, द गुड द बैड एंड द अगली। ये 1966 की वेस्टर्न एडवेंचर फिल्म है, डायरेक्टेड बाय सर्जियो लियोनी। वैसे तो ये डॉलर्स ट्रायलॉजी की अंतिम फिल्म है, लेकिन इस फिल्म ने जितना इन्फ्लुएंस किया है स्पेशली वेस्टर्न मूवीज़ पर, उसकी बात ही कुछ अलग है। सर्जियो लियोनी का डायरेक्शन और क्लिंट ईस्टवुड की एक्टिंग ने वेस्टर्न मूवीज़ का एक अलग ही बेंचमार्क सेट किया। नंबर 1 से पहले हम यहाँ कुछ स्पेशल मेंशन मूवीज़ को देखें जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया थी, जैसे जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की गोल्डफिंगर, 1968 की प्लैनेट ऑफ द एप्स, और हॉरर फिल्म की बात करें तो 1968 की रोजमेरीज बेबी, ये फिल्में भी काफ़ी बढ़िया थी। ये सभी फिल्में भी काफ़ी अच्छी थी। नंबर 1, 2001 अ स्पेस ओडिसी। ये 1968 की एपिक साइंस फिक्शन मूवी है, डायरेक्टेड बाय स्टैनली क्यूब्रिक। सच बताओ तो ये मूवी नहीं बल्कि जर्नी है, जर्नी ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य ने किस तरह इवॉल्व किया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक एपे टू मॉडर्न ह्यूमन, ये बहुत ही रचनात्मक ढंग से डायरेक्टर हमें बताते हैं। साथ ही फिल्म का म्यूजिक और स्पेशल इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आप कहीं से भी इसे 1968 की मूवी नहीं कहेंगे, एक अलग ही दुनिया में क्यूब्रिक हमें ले जाते हैं। और 60s के डिकेड की नंबर 1 फिल्म देखकर हम दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी 60s के दशक की वो 10 फिल्में जो आज तक हमारे दिमाग में छाई रही है, जिसे कितनी ही बार देखा जा सकता है। आपको इस सब में कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी आप ज़रूर बताइए। साथ ही इसमें से बहुत सी मूवीज़ का रिव्यू हमने चैनल पे किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।